से आज एग के पकौड़े बनेंगे, अंडे के पकौड़े बनेंगे आज। इसलिए मैंने 3 अंडा लिया है जिसे बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। और हम बैटर बना रहे हैं, जो मैंने लिया है मैदा बेसन, उसका हाफ से भी हाफ मैदा। टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे सॉल्ट ली है, कुटी हुई मिर्चें लिए हैं, और नॉर्मल जो तीखी मिर्ची होती है घर वाली वो ली है, काला नमक लिया है मैंने। और यहाँ पर मैंने अच्छा लुक है इसलिए मैंने लिया है हरी धनिया, उसका फ्लेवर भी आ जाता है बहुत अच्छा, तो वो लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने इसे ना मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमें इसका एक थिक सा बैटर बनाना है, बहुत थिक सा, क्योंकि पतला होगा तो अंडे को कोट नहीं कर पाएगा। मतलब कि ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा पतला हो, आप देख लेना आपको कैसा चाहिए, पर ये थिक बैटर रहेगा तभी अच्छे से कोट कर पाएगा। फ्रेंड्स अभी मैं सिर्फ प्रिपेयर करके रख रही हूँ, मैं एक ही बार तेल चढ़ाऊँगी और सब कुछ कर लूँगी इसी में। ठीक है, तो ये मेरा बैटर भी एकदम घोल के मैंने रख दिया है। अब हमने कहा था फ्रेंड्स घर वालों के लिए, और हमारा ये बैटर भी एकदम परफेक्टली रेडी हो चुका था। ये देखो अंडे भी मैंने काट लिए थे, शेप आप डिसाइड कर लो किस शेप की काटनी है आपको, और बस उसे कर लो फ्राई। फ्राई करने का प्रोसेस तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, अच्छे से फेट ज़रूर मैदे को, ज़रूर अच्छे से बेसन को फेट लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद एक एक करके आप डाल देना। बैटर मोटा ही रहना चाहिए फ्रेंड्स, और फ्लफ़ी होना चाहिए, मोटा थिक नहीं चाहिए हमें, मोटा होना चाहिए और साथ ही साथ फ्लफ़ी होना चाहिए। जितना ज़्यादा वो फ्लफ़ी होगा ना वो उतना फूलेगा। ठीक है, तो बस एक छोटा चम्मच ज़रूर लेना, छोटे चम्मच से आपको चलाने में बहुत ईजी होगा, निकालने के लिए बड़ा चम्मच लेना लेकिन चलाने के लिए हमेशा छोटा ही चम्मच लेना फ्रेंड्स। ठीक है, और मैं छत पे देख के छत पे खड़ी हूँ कि वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए अराउंड आपके वॉइस भी आ रही होगी फ्रेंड्स। तो बस ये हमारा अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी हो गया है फ्राई। हम इसे निकाल लेंगे एक पेपर में जिसमें ऑयल सारा जो हो वो